आए तो जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए, तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। देखिए मैं जो प्रसंग सुना रही हूँ बहुत सरल है, आप सुनकर देखें आपको अच्छा लगेगा। जब राज तिलक का राजा ने कर दिया ऐलान, राम राजा कल बनाए जाएंगे, आज मंथरा ने आकर केकई के कान में बात फूंकी और बात केकई के पल्ले पड़ गई, केकई को भवन में लेट गई। अब होता क्या है, जब राज तिलक का दशरथ ने कर दिया ऐलान, तब मंथरा ने केकई के भर दिए हैं, तब मंथरा ने केकई के भर दिए हैं कान। तब बात सुन के आई रानी कोप भवन में, तब बात सुन के आई रानी कोप भवन में, कपटी कुटिलता छा गई थी उसके ही मन में। तो राजा दशरथ से कह डाले जब उसने दो वचन, राजा दशरथ आए कहा रानी ये क्या हाल बना रखा है, क्या बात है मुझे बताओ, अगर कहो तो मैं पूरा राजपाट तुम्हारे नाम कर दूं, अगर कहो तो मैं अपना सर काट के तुम्हें दे दूं, बताओ तो। तो राजा दशरथ से कह डाले जब उसने दो वचन, रानी ने कहा महाराज मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये आप करिए। आप कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो राजा दशरथ से कह डाले जब उसने दो वचन, मांगा क्या कि राजा भरत बने और राम जाए। मैं चाहती हूँ कि राम को वनवास भेज दीजिए 14 वर्षों का और मेरा भरत राजा बन जाए। राजा दशरथ से कह डाले जब उसने दो वचन के राजा दशरथ के राजा राम, अरे राजा भरत बनेंगे और राम जाए वन। श्री राम वन को जाए जब राजा ने सुनी बात, श्री राम वन को जाए जब राजा ने सुनी बात, तो सुनकर के राजा के दिल को पहुंचा है सहने लगे और रो रो करके कैसे इस प्रकार कहने लगे। अब पंक्ति सुनिए अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। राजा दशरथ ने कहा केकई तुम जो कह रही वो सही नहीं है, तो वनवास मांगती क्यों, तू रानी के कई है। ये पुरस्कार नहीं है, ढेर सारा प्रेम है इसमें और क्या। और आज से नहीं, मेरी समझ से जब से मैंने अपनी पार्टी शुरू की तब से आप हमारे साहसी जी, ना जाने कितने मंचों पर आपसे मुलाकात हुई। और क्या, एक समय था संडीला में और हम और दादा रतिराम ज्ञानी जी ही गाते रहते थे महीनों, 20-20 दिन संडीला में हमारा कीर्तन हो रहा है और साहसी जी वगैरह सब लोग व्यवस्था में लगे रहते थे। और क्या, तो हमारे सम्मानीय श्री अमर नव दुर्गा कीर्तन पार्टी के कीर्तनकार भैया हमारे सतीश साहसी जी, जिनके ज्ञान गुरु हैं पूजनीय कीर्तन स्तंभ दादा हमारे दादा रतिराम ज्ञानी जी, जिनको मैं अपने शब्दों में कोयल कहती हूँ, दादा से ज्यादा सुरीला अभी तक कोई गा नहीं पाया, तो मैं सादर नमन कर रही हूँ साहसी जी। एक कार्यक्रम मेरा ज्ञानी जी से कानपुर में है, अगर समय हो तो उसमें आइएगा साहसी जी। 18 नवंबर को वो कार्यक्रम होना है, रावतपुर क्रॉसिंग, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है वो, पूरे कीर्तन जगत के सारे कीर्तनकार आमंत्रित हैं उसमें, तो आप भी आएंगे अच्छा लगेगा। सुनिए सुनिए, राजा दशरथ ने कहा कि केकई अरे वन
रानी के कई है तो माता बने कुमाता तू कितनी निर्दयी है तू कितनी निर्दयी है तू कितनी निर्दयी है। कोई माँ अपने बच्चे को वनवास मांगती है और जरा देखे गीत में है लेकिन लेकिन तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए तो मैं इस लेकिन को कैसे ला रही हूँ। राजा दशरथ ने कहा कि बिगड़ी बनाना चाहा। राजा दशरथ ने अरे बिगड़ी बनाना चाहा लेकिन बना ना पाए और वो रूठी के कई को दशरथ मना ना पाए। बहुत धन्यवाद। क्या बात है। मरते मर गए लेकिन रानी को नहीं मना पाए तो वो रूठी के कई को दशरथ मना ना पाए। दशरथ विचार कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ जो राजा राम बनने वाले हैं क्षण भर में उन्हें वनवास हो रहा है क्योंकि है याद आ गया उन्हें मारा गया श्रवण था। याद आ गया कि मेरे बाण से श्रवण कुमार के प्राण निकले थे और जब मैं अंधे माता पिता के लिए पानी लेकर पहुंचा तो अंधे माता पिता ने मुझे श्राप दे दिया था कि जाओ जैसे पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं ऐसे ही तुम्हारी भी मौत होगी। तो है याद आ गया उन्हें मारा गया श्रवण था तो प्यासे थे पिता माता उनका हुआ मरण था। प्यासे थे पिता माता उनका हुआ मरण था और अंधे माता पिता के पास पानी लेकर गए और सोच रहे कि पानी पिलाना चाहा। अरे पानी पिलाना चाहा लेकिन पिला ना पाए तो वो रूठी के कई को दशरथ मना ना पाए। भरत जी भी भगवान श्री राम को मनाने गए लेकिन राम नहीं लौटे। सुमंत भी गए नहीं लौटे क्योंकि वो 14 वर्ष की अवधि पूरी करनी है। अब पंक्ति सुनिए। रघुवर राजा दशरथ की स्थिति देखिए। लोग माँ की ममता बताते हैं लेकिन एक पिता का प्यार देखिए कि रघुवर जो आए सामने तो नैना ही खोल पाए। आंखें खुली की खुली रह गई। राजा दशरथ ना कह पाए कि जाओ ना ये कह पाए कि ना जाओ। 6 बार राम का नाम निकला मुंह से प्राण निकल गए। तो दशरथ अरे रघुवर जो आए सामने तो नैना ही खोल पाए और सब कुछ अनर्थ हो गया वो ये तक ना बोल पाए। सामने राम खड़े हैं दशरथ के और दशरथ का हाल देखिए। उन्हें सब कुछ बताना चाहा कि उन्हें सब कुछ बताना चाहा लेकिन बताना पाए तो
वो रूठी, अरे वो रूठी, तो वो रूठी के कई को दशरथ मना न पाए। चंद्र की जय। एक खंड गीत जो मेरा बहुत प्रचलित है, एक सौ एक मुद्राएं भैया उमा शंकर त्रिपाठी जी, राधे लाल शर्मा जी, आपकी ओर से इस गीत पर 101 मुद्राएं हैं। भैया को धन्यवाद है। हालांकि मैं सोच रही थी कुछ और सुनाऊं, लेकिन हमारी तो मैं चाह रही हूं कि खंड गीत आपके मतलब का हो जाए। हालांकि इसको मैंने बहुत गाया, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन आप लोग बैठी हैं तो आप लोग कम जगह जा पाती हैं। और क्या? आपके लिए है, सुनिए। अच्छा लगे, सुनिए। अगर नारी नारी की उपमा देनी है, पति पत्नी का प्रसंग गाना है, तो देखिए इससे अच्छा प्रसंग आपको नहीं मिलेगा। सुनिए, एक गीत बजा, सुनिए सुनिए। चिल्लाते आयो भाई, ये इसी का पैसा लेते हैं, सही है। गुंजा उस दिन तोरी सखिया करती थी क्या बात हो, एक फिल्म आई थी नदिया के पार। और क्या, देखो मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पे, मतलब आप जानोगे, खूब फिल्में देखी। और ये फिल्म ऐसी है जो मेरी समझ से कोई ऐसा नहीं जिसने ना देखी हो। हमने तो कई बार, कम से कम 20 बार देखी। और क्या? तो गीत कह रहा है कि आए गुंजा उस दिन तोरी सखियां करती थी क्या बात हो, वही तो हमारी बाली है उमरिया, वही तो हमारी बाली है उमरिया, जरा ठहरे ठहरे ये सुहानी सी डगर, जरा ठहरे ठहरे ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे। केवल इतना है जिस समय, और मैं माताएं बहनों से निवेदन कर रही हूं कि खंड गीत को आप बड़े गौर से सुनिएगा। एक नारी है, इस नारी का नाम है सती सावित्री। अच्छा अच्छा, दादा आ रहे हैं क्या?
आइए दादा आइए, हम लोगों के लिए पुरस्कार नहीं है ये आशीर्वाद है, मैं चाह रही हूँ जोरदार तालियां बजाकर। देख के ये गद्दे जो हैं ये बड़े सही बात बहुत, अभी एक कार्यक्रम हमारा बाबूलाल भैया से था और गद्दे ऐसे ही आगे आगे बिछे थे, वो बेचारे गाते गाते बिल्कुल भड़ाक से नीचे गिरे और फिर वो उठ नहीं पाए, बहुत देर लेटे रहे, तो ये गद्दे बड़े गलत बिछाए जाते हैं। हाँ नहीं नहीं हो जाता है धोखा, लगनी भी नहीं चाहिए, दुर्गा जी सवार है और क्या। अच्छा अच्छा आप दोनों चाचा भतीजे, अरे वाह, एक है चाचा एक है भतीजा और इसीलिए मिला ये नतीजा। अब हम लोग पास हो गए। तो हमारे त्रिपाठी जी और आदरणीय शर्मा जी जो चाचा भतीजे, आदरणीय शर्मा जी जो चाचा भतीजे हैं रिश्ते में, आप दोनों की जोड़ी बनी रहे, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं और ये पुरस्कार क्या मेरे लिए आशीर्वाद है, सम्मानीय बाबूजी हमारे श्री उमा शंकर त्रिपाठी जी, वरिष्ठ नेता भाजपा पार्टी, संस्थापक माल उद्योग व्यापार मंडल माल, एक बार जोरदार तालियां हमारे उमा शंकर बाबू जी के लिए बजा दीजिए, आशीर्वाद चाह रही हूँ, सादर नमन है। पहली बार देख रहे हैं नारी नारी का सम्मान कर रहे हैं। हमारे भागवत प्रसाद जी की धर्म पत्नी जी सुनीता, आपकी ओर से भाभी जी की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है, एक बार इनके सम्मान में भी तालियां बजा दीजिए। वाह ये उसी गाने का असर है। अरे बहुत बढ़िया नाम है, ये सीता जी, सीता जी की तरफ से पुरस्कार है और ईश्वर आपकी सीताराम की जोड़ी बनाए रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो थोड़ा साहू जी बैठ जाइए पीछे, उनको दिखाई देता रहे, ए आदर्श भैया बैठ जाओ कुर्सी पर, हाँ इनको बेचारियों को दिखता नहीं तो यही से ऊद बुलाव की तरह करती रहती सब, तो ये चैनल की वजह से हो जाता है। सुनिए गीत कह रहा है क्या? के नाम ना ले तो क्या कह के बुलाए, अरे कैसे चलाए काम हो, तो अब ही तो हमरी पाली है उमरिया, ओ जरा ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखने दे देखने दे और खास तौर से हमारी माताएं बहनें, 31 मैंने आपके लिए निकाला है। देखिए दुर्गा चैटिंग वाली पत्नी ये सब हमारे में नहीं मिलेगी, हमारे में कैसी पत्नी मिलेगी, एक सती है सती सावित्री, सती सावित्री को पता है कि आज इतने बजकर इतने मिनट पर मेरा पति मर जाएगा, और जिस पत्नी को पता हो जाए कि मेरा पति मर जाए वो पत्नी तो पहले मर जाती है, लेकिन सती सावित्री घबराई नहीं। एक दिन जब सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चल पड़ा तो सावित्री ने कहा महाराज आज मैं भी आपके साथ चलूंगी, सत्यवान ने कहा चलो, सत्यवान लकड़ियों का गट्ठर बनाकर लाए और जैसे ही पेड़ के नीचे गट्ठर रखा और उस नारी की गोद में सावित्री की गोद में सर रखा, देखते ही देखते देखते ही देखते उसके प्राण निकल गए, यमराज आए और सावित्री के पति के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री पीछे पीछे जाने लगी, सावित्री को पीछे आता देखकर यमराज ने कहा बेटी चली जा तेरा कोई काम नहीं, तेरे पति का समय पूरा हो गया है। सावित्री ने कहा महाराज इनके बगैर मैं कैसे रह पाऊंगी, यमराज ने कहा कि सुन पति तो तेरा नहीं दूंगा, कोई एक वरदान मांग ले,
सावित्री ने कहा महाराज पति नहीं दे रहे तो मेरे सास ससुर का खोया हुआ राजपाठ दे दीजिए। यमराज ने कहा जा दिया। सावित्री फिर चलने लगी तो यमराज कहने लगे बेटी चल दूसरा वरदान मांग ले, पति नहीं दूंगा। सावित्री ने कहा महाराज पति नहीं दे रहे तो आप मेरे पति का खोया हुआ राजपाठ दे दीजिए। यमराज ने कहा जा ये भी दिया। फिर भी सावित्री नहीं मानी और पीछे पीछे चलने लगी तो यमराज ने कहा बेटी बड़ी दूर आ गई है, तेरा लौटना मुश्किल हो जाएगा, चल पति को छोड़कर कोई आखिरी वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा महाराज मैं चाहती हूँ कि मेरे 100 पुत्र हो जाएं। यमराज ने हंसते हुए कहा जा तेरे 100 पुत्र हो जाएं। तो सावित्री और तेज हंसने लगी, कहने लगी महाराज जिनसे मेरे 100 पुत्र होने उनको तो आप ही लिए जा रहे हैं। यमराज हंस गए। आखिर कैसे कैसे 100 पुत्र होंगे? तो यमराज अपनी बातों में फंस गए और कहने लगे है बेटी आँख की ज्योति सास ससुर की, सावित्री ने कहा कि मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दे दीजिए। तो यमराज कहने लगे तू बड़ी चालाक निकली कि आँख की ज्योति सास ससुर की, और खोया राज भी मांग लिया। के मांग मांग के मुझको फंसा के मांग मांग के मुझको फंसा के अपनी मांग को मांग लिया। धन्यवाद। जब अपनी मांग को मांग लिया तो जा के संग लेके जाओ बेटी अपना ये सैया हो, के संग लेके जाओ बेटी अपना ये सैया, और कबहू ना सुनी हुई है तोहरी ये कलैया तो है। गुइया तेरा देखे सैया तेरा कहे, गुइया तेरा देखे सैया तेरा पूरा वरदान करो 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 वरदान रुपया तो ठीक है ये न मारो भैया है, कोई फुड़िया फुन से निकली आएगी तो बहुत दिन गाना गाना। गुरु यार तो बहुत चटाने नौ चटवाई होगा। ये अपार प्यार दुलार भैया का नाम बता दीजिए। वाह पिंटू भैया पूरी दुकान का सिक्का ले आए हो। अच्छा अच्छा ये हमारे पिंटू भैया हैं, इनका प्यार देखिए। ये कलाकारों का सम्मान करने का अपना अपना ढंग है। ये प्यार जब बहुत निकल कर बाहर आता है तब ऐसे पुरस्कार मिलते हैं। तो मैं चाह रही हूँ एक बार जोरदार भैया के लिए ताली बजा दीजिए। हमारे पिंटू भैया ने तमाम सारा पुरस्कार जो हम गिन भी नहीं सकते पूरा बिछा दिया है। ईश्वर आपका भंडार भरा रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा समय ज्यादा लग गया लेकिन मैं चाह रही थी कि जो लोग बैठे हैं वो बैठे रहें, कार्यक्रम में रोचकता बनी रहे। और राजू भैया आइए, स्वागत है आपका, धन्यवाद है। आइए।